आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नेटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए लेडीज़ सॉक्स लेके आई आऊँ जो कि अंगूठी वाली है तो यहाँ पे जो मैं सिलाई यूज़ कर रही हूँ दस नंबर की सिलाई है फोर प्लाई ऊन है सिलाई पे फंदे मैंने डाल रखे तालिस पंदे, तालिस पंदे मैंने के रखे हुए हैं पैंतालीस पैंतालीस फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने छः सिलाइयों की यहाँ पर छ नहीं बारह सिलाइयों की यहाँ पर धारियाँ बना के रखी हुई यानी छः धारियाँ एक दो तो, तीन चार पाँच और ये छः छः धारियाँ बनाने के बाद यहाँ पर उल्टे साइड से कलर चेंज कर लेना है आपको एक सिलाई हमने यहाँ पर वाइट कलर की बना ली है अब देखिए यहाँ से फिर किस तरह से बनेगी धारियाँ अपने पे है क्या आप चार धारियां भी रख सकती है पांच धारियां या छह धारियाँ आप पे निर्भर करती है अब यहाँ से एक फंदा उतार लेंगे धागा अपनी और करेंगे यहां से बाईस फंदों को पहले हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे तो एक फंदा हमने उतारा ये दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस यहाँ से यहाँ तक हमने ट्वेंटी टू फंदों को हमने यहाँ पे बुन लिया हुआ है ट्वेंटी टू इधर हम छोड़ देंगे देखिए यानी बाईस फंदे इधर भी छोड़ देंगे हम तो यहाँ से काउंट कर लेंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और ये बाईस और एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है बाईस दूनी चौवालीस और एक पैंतालीस इस फंदे में हमें एक फंदे से पाँच फंदा बनाना है पहले इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे ऐसे तो एक फंदा हो गया धागा अपनी और करेंगे इसे बुनेंगे तीन फंदे हो गए फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और इसे एक बार फिर से बुन लेंगे तो टोटल हमारे पांच फंदे हो गए एक फंदों से पांच फंदे ये फंदा गिरा देना है देखिए तो देखिए इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे पहले इस फंदे को जो हमारे ये फंदा है तेईसवा नंबर का फंदा तो इस तरह से एक फंदा हम लेंगे धागा घुमाएंगे दो फिर इसे बुनेंगे तीन फिर धागा घुमाएंगे चार और फिर बुनेंगे इसे पाँच ठीक है एक फंदे से हमने पांच फंदा बना लिया बाकी बचे फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे सीधा नहीं उल्टा उल्टा बना लेना है तो देखिए यहाँ पे हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है अब उल्टे साइड से सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे पहला फंदा उतार लेंगे ताकि हमारी साइड में चेन बने सलाई करने में आसानी हो तो इस तरह से लेंगे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं सीधी साइड आ गए तो सीधी सीधी साइड किस तरह से बनाना देखिए पहली लाइन में हमने बाईस फंदों को बुना था इस बार हम चौबीस फंदे बुनेंगे और पच्चीसवें फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे तो सीधी तरफ से फंदा बढ़ाना है लेकिन इस लाइन में अब फंदे नहीं बढ़ाएंगे ये हमारी दूसरी लाइन हो गई अब सीधी तरफ से तीसरी लाइन है वाइट कलर की पहला फंदा इस तरह से लेंगे और यहाँ से अब हम देखिए चौबीस पंदों को बनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस अब यहाँ पे देखिए एक फंदों से जो पांच फंदा बनाया था इसमें से दो फंदे लेंगे और हम तेईस और ये चौबीस इस फंदों को सीधा करते हुए हमने ये बढ़ाया हुआ था देखिए अब धागा पीछे करते हुए देखिए और इधर भी हम चौबीस फंदे छोड़ देंगे देख लीजिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस और एक चौबीस और एक फंदा जो बचेगा हमारा ये ये वाला इसे हम सीधा बना लेंगे धागा को पीछे करते हुए इसे हम सीधा बना लेंगे इस तरह से अब धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से इन फंदों को हम ठीक है उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे अब इस सारे फंदों को बुनने के, के बाद उल्टे साइड से हम कलर चेंज करेंगे चलिए पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं अब यहाँ पे उल्टे साइड आ गए उल्टे साइड से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे और इस कलर से पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे इसे ले लेंगे इसे टाइट करेंगे पूरी सिलाई उल्टा बना लेंगे चलिए पूरी सिलाई उल्टा बना लेते फिर दिखाती हूँ आगे तो देखिए यहाँ हम सीधी तरफ आ गए उल्टी तरफ़ बुनते हुए अब यहाँ से हम चौबीस फंदों को बुनेंगे पच्चीसवें फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ से हम टोटल चौबीस फंदे पहले बुन लेते हैं इस तरह से दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह से करते हुए चौबीस फंदे पहले बुन लेते हैं यहाँ पे देखिए हमने चौबीस फंदे बुन लिए अब एक फंदा जो हमारा ये सीधा दिख रहा है देखिए जिसे हमने सीधा बुना था इस धागे को पीछे करेंगे इसी तरह से फंदे बढ़ाने आपको शुरू में भी इसी तरह से बढ़ाए थे आपको तो थोड़ी सी गलती हो गई देखिए किस तरह से बढ़ाना है शुरुआत से ऐसे ही बढ़ाना है आपको एक फंदा जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला है सीधा दिख रहा है आपको इसे इस तरह से लेंगे पहले सीधा बुनेंगे एक फंदा हो गया धागा अपनी ओर करेंगे इसे धागा को घुमाएंगे तब इस तरह से जो घुमाए हमने तो यहाँ पर अब तीन फंदे हो जाएंगे फिर धागा अपनी ओर घुमाएंगे चार हो गए फिर इसे बुन लेंगे वापस सीधा पाँच एक फंदे से हमारे पांच फंदे हो गए देखिए एक यहाँ पे है दो तीन चार और ये पांच अब धागा अपनी ओर करते हुए सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे उल्टे साइड से भी सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे हम ये हमारी दूसरी सिलाई चल रही है अब तीसरी सिलाई किस तरह से बनेगी फिर दिखाते हैं आपको चलिए ये लाइन पूरा इधर से बना लेते हैं उल्टे साइड से भी पूरी सिलाई उल्टा बनाएंगे तो देखिए सीधी तरफ आ गए सीधी तरफ इस बार आपको छब्बीस फंदे बुन लेने हैं तो देखिए यहाँ पे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस और ये छब्बीस छब्बीस फंदे हमने बुन लिए अब धागा पीछे करेंगे अब इन पांच फंदों में से जो बीच का फंदा था देखिए इसे पता चल जाएगा ये सीधा है बीच वाला इसे हम एक फंदा सीधा बना लेंगे ठीक है एक बार हम फंदे को बढ़ाएंगे यहाँ पे एक फंदे से पांच फंदा बढ़ाएंगे जब इसी कलर से फिर हम जब बुनेंगे सीधे तरफ से तो इस फंदे को सिर्फ एक बार हमें सीधा बना लेना है ठीक है अब धागा अपनी और करते हुए सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे हम जितने भी इधर छब्बीस फंदे सिर्फ उल्टा बनाएंगे और उल्टे साइड से फिर से हम कलर चेंज करते हुए वाइट ले लेंगे तो वाइट की भी हम कलर चेंज करते हुए पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं फिर सीधे साइड आते एक बार और दिखा देती कि फंदा किस तरह से बढ़ाना आपको तो देखिए उल्टी सिलाई बुनने के और फिर सीधी तरफ हम आ गए उल्टे सिलाई से कलर चेंज करते हुए हमने पूरा उल्टा बुना अब सीधी तरफ से यहाँ से छब्बीस फंदों को हमने बुन लिया अब जो सताइसवां फंदा ये जो सीधा दिख रहा है देखिए यानी पांच फंदों में से जो बीच का फंदा होता है उसी में से हमें फंदे बढ़ाने होते हैं जो अगल बगल के फंदे होते हैं उसे हम उल्टा बुनते हुए जाते हैं सिर्फ जो बीच का फंदा है उसे ही सिर्फ सीधा बनाना है हमें अब धागा पीछे करेंगे जिसे हमने सीधा बनाया था अब एक फंदे से हमें पाँच फंदे बनाने हैं तो देखिए धागा पीछे कर लिया हमने इस तरह से बुनेंगे तो एक फंदा हो गया धागा अपनी ओर करेंगे दो हो गया फिर से वापस इस फंदे को बुनेंगे तीन हो गया फिर से धागा अपनी ओर करेंगे चार और इसे वापस से बुन लेंगे पाँच ठीक है अब यही पांच फंदों में से जो बीच का फंदा होगा इसी में से हमें बुनते हुए जाना है इस बार तो हमने वाइट कलर से इसे फंदे को बढ़ाया ठीक है उल्टी साइड से सारे फंदे को फिर से हम उल्टा बना लेंगे सीधी साइड से जब आएंगे उसके बाद जो ये बीच वाला फंदा है इसके बाद फिर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे इस कलर से यहाँ पे बीच वाला फंदे को हम सीधा बना लेंगे जैसे यहाँ पे मैंने इस राउंड में बनाया हुआ था ठीक है देखिए चलिए इस बार भी दिखा देती हूँ आपको पूरी सिलाई अब यहाँ से उल्टा बना लेंगे पीछे साइड से भी उल्टी सिलाई कर लेते हैं फिर सीधी सिलाई आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको तो देखिए सीधी तरफ आ गए यहाँ से हमने छब्बीस फंदे बुना है अब देखिए यहाँ पे जो एक फंदे से पांच फंदे हमने बनाए थे तो एक दो तीन चार पाँच इसमें से दो फंदे और ले लेंगे तो यहाँ यानी कि इस लाइन में हम टोटल अट्ठाईस फंदों को यहाँ पे उल्टा बनाएंगे ठीक है इन पांच फंदों में से जो बीच का फंदा है इस लाइन में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे सिर्फ बीच वाला फंदा को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से ठीक है अब धागा आगे करते हुए जितने भी फंदे हैं सभी को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे और उल्टी साइड से फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पर ये यह हमारी जो व्हाइट कलर की चौथी सिलाई चल रही है जब चार सिलाइयाँ हो जाएगी तो आपके यहाँ पर दो धारी दिखने लगेगी ठीक है तो दो दो धारी करके इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं इसकी भी पाँच लाइनें होनी चाहिए और इसकी भी ठीक है तो कंप्लीट करती हूँ आगे उसके बाद दिखाती हूँ इसी तरह से आपको बीच वाला फंदा में एक बार फंदा बढ़ाना है और एक बार प्लेन सिर्फ सीधा बना लेना है तो चलिए कंप्लीट करती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी बुनाई कंप्लीट कर ली हुई है ये जो मैंने धारियाँ व्हाइट वाली जो है तो देखिए कितनी बनाई थी एक दो तीन चार और ये पाँच धारियाँ और ये जो मेरी गोल्डन वाली है तो एक दो तीन और ये चार इसके बाद मैंने उल्टी साइड से कलर जोड़ते हुए पूरी लाइन मैंने एक लाइन उल्टी तरफ से पूरे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया उसके बाद यहाँ पे टोटल जो हमारे फंदे बन के आए थे टोटल 81 फंदे बन के आए थे यानी इक्यासी फंदे इक्यासी फंदों को मैंने दो भागों में बांट लिया आधा इधर और आधा इधर तो आधे फंदों को हमने इधर यानी एट्टी फंदों में से हमने यहाँ पर देखिए फोर्टी फंदे इधर हमने इसे बुन लिया एक फंदा फिर हमने इधर बढ़ा लिया ताकि इधर भी फोर्टी हो जाए टोटल फोर्टी टू फंदे हमने कर लिए तो इसकी धारियाँ कंप्लीट की है एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ आठ धारियां कंप्लीट करने के बाद सारे फंदों को हमने बंद कर लिया उसके बाद दूसरे साइड से फिर से हमने यहाँ पे फंदे को शुरू किया तो चालीस फंदे थे तो एक फंदा और हमने बढ़ा लिया तो टोटल तो हो गया इकतालीस फंदे इकतालीस फंदों को फिर से हमने इसकी बुनाई की और इधर भी हमने आठ धारियाँ बना की की के कम्प्लीट की हुई है कम्पलीट करने के बाद उल्टे साइड से सारे फंदों को हमने यहाँ पे से बंद कर लिया तो कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से आई है ये अब इसे सिलने का तरीका देखिए बहुत ही ईज़ी है बंद करने का तरीका हर बार बताती हूँ इसलिए मैंने नहीं बताया सिंपल सा था आगे डिज़ाइन तो बता ही चुकी थी मैं इस तरह से इसे पलटेंगे पलटने के बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे सिलना यहाँ से लेके हम यहाँ तक पहले सिल लेते हैं चलिए सिंपल सी सिलाई है जो हर बार दिखाती हूँ आपको इस तरह से लिया हमने गांठ लगा एक ताकि आसानी हो इसलिए एक दो गांठ और लगा देंगे हम यहीं पे ताकि मजबूती आ जाए इस तरह से धागे को घुमा लेंगे हम ऐसे घुमा लिया हमने अब यहाँ से सिलते हुए जाएंगे आपस में मिला लें वाइट से व्हाइट को और गोल्डन से गोल्डन को ताकि हमारा सिलाई ऊपर नीचे ना आए फिर ऐसे लेंगे हम अब हर चैन को पकड़ते हुए आपस में इसकी सिलाई कर लेंगे हम इस तरह से चलिए तो नीचे तक इसकी सिलाई करते हैं हम।, हम पहले यहाँ से सिलाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई करते हैं फिर आगे दिखाती हूँ अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है यहाँ से यहाँ अब देखिए इधर से किस तरह से सिलाई करना है अब यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आएंगे यहाँ ये जो हमारे दो भाग बटे हुए यहाँ से हम उंगलियाँ बनाएंगे तो क्या करना है यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से हम बारह सिलाइयाँ छोड़ देंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे हम एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह इतना इधर भी काउंट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें ताकि और यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको पहले यहाँ सिल लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली अब क्या करेंगे इसे इस तरह से खोलेंगे हम देखिए ऐसे इस तरह से सिलते आ रहे थे अब ये पार्ट को हम इस तरह से खोलेंगे ऐसे अब इस पार्ट को ऐसे खोलने के बाद ये जो भाग है ये भाग को हम यहाँ पर इस तरह से मिलाएँगे ये पार्ट को यहाँ पर इस तरह से मिलाना है आपको देखिए ऐसे ठीक है इस तरह से कर लिया हमने अब यहाँ से सिलते हुए हम ऊपर तक जाएंगे फिर इधर से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे बहुत ही ईजी है बनाना इसे जो एकदम नई नई सीख रही है वो भी आराम से इसे बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने के लिए कि अंगूठा अलग निकाले इधर से ये घटाना उठाना कुछ भी नहीं इसमें बस सिंपल सा है देखिए इस तरह से लेंगे हम और यहाँ से हम इसकी सिलाई ऊपर तक कर लेते इधर और इसकी सिलाई इधर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि सीधा करने के बाद फिर ये पैर में फिनिशिंग कैसी आती है तो देखिए मैंने इसे सीधा करने के बाद उसके बाद मैंने देखिए पैर में डाल के दिखा दिए कि कैसी लगेगी ये जो हमारे एंकल लेंथ से ऊपर आएगी ये देखिए चाहे तो ये बॉर्डर आप और भी ऊपर बड़ा बना सकती हैं ताकि पैर के ऊपर भागता आ जाए तो देख सकते हैं नीचे साइड भी देख लें ये हमारे चा पाँच और छः नंबर पैर को आ जाएगी ये सॉक्स देख सकते हैं कितनी ईजी है और कितना जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है ये और कितनी खूबसूरत लग रही है कलर भी बहुत अच्छा है आप अपने मनपसंद कलर से बनाएं। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू